नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे हाथ के स्वाद चैनल पे। तो आज हम सब मिलकर बनाने जा रहे हैं बैंगन का भरता, चूल्हे वाला, और देसी रोटियां रहेगी घी लगाकर, घी चुपोड़ के, और उसके साथ दही मलाई वाला। तो पूरे फैमिली चलते हैं और बनाते हैं फुल देसी अंदाज में, और फुल देसी तरीके से खाएंगे भी बैगन का भरता, चूल्हे की रोटी, दही और सलाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लकड़ से चलते हैं चूल्हा जलाने के लिए। छोटा छोटा लकड़ चाहिए। हम तो जला ही रहे हैं चूल्हा। ये देखिए दोस्तों, हमारे बैंगन, टमाटर और प्याज, और बैंगन कुछ हमारे इस प्रकार के हैं कि क्या बनेगा इसका भरता। तो भाई आग जला लेते हैं और बैंगन को तैयार कर लेते हैं, छेद लेंगे, प्याज काट लेंगे, टमाटर काट लेंगे। तो चलिए और बनाते हैं बैंगन के बतौर भरता। बैंगन इधर धो, पहले जाओ इधर। अच्छा हाँ, धुलना पड़ेगा पहले तो। बैंगन धो, प्याज और छील कर बर्तन निकल जाओ। बैंगन का भरता ऐसा चीज है कि पराठे के साथ, चावल के साथ भी मजा आता है खाने में। यहाँ पर हम लोग कटरे ले आए हैं, बैंगन निकाल लेते हैं। बाबा लोग को देख लीजिएगा। हाँ बाबा लोगों की जय। बाबा लोग का मतलब कीड़ों का। बाबा लोग होते हैं हमारे कीड़े, जो छोटे मोटे कभी कभी बैंगन में आ जाते हैं। जब फूल होता है ना, तभी उसी के अंदर ना कीड़े जाके बैठ जाते हैं, तो उसी में लग जाते हैं ना बाबा। और कुछ कुछ कीड़े मतलब बाहर से भी आ जाते हैं। दो एक दो दो मेरे को धो के जल्दी। ये लो। अब इसको देखिए, इसको करना है। ये अब बैंगन जाएगा आग में, उससे पहले इसको हम छेदेंगे। छेद दिए, ये देखिए, अब इसको डाल देते हैं इधर। भाई साहब देख रहे हो ना, क्या बढ़िया आग लगी पड़ी है, और भुनेंगे भी मस्त। तो क्या ज़्यादा बैगन नहीं हो जाएगा, तीन ही बैगन का बनाते हैं। हाँ पूरा नहीं खा पाएंगे ना। हाँ। बैगन बड़ी शाम को बना देंगे ना। तो बैगन बड़ी का आप लोग वीडियो नहीं देखे दोस्तों, तो देखिएगा जरूर, लाला जी का ढाबा पे अपलोड है। तो बैगन बड़ी भी खाने में बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पर हमारे सारे बैंगन धुल के हो गए हैं तैयार। टमाटर भी धुल लेते हैं। आग का भुना हुआ बैंगन का भरता जो खा लेगा ना, वो दीवाना हो जाएगा। तो भैया जो जल्दी होम डिलीवरी। मछली पकड़ रहे हो क्या? किस दिन मछली पकड़ने भी चलेंगे। जरूर लेना मम्मी दोबारा से। ये तेरी देखो, तो गधा चला रही है, गधा चला रही है हनुमान जी का। रुक ना रे मेरे को, गधा टूट गया इनका। हम लोग बचपन में बहुत करते थे इसे। हाँ नानी ने आपको मारा नहीं? फिर मारती थी कभी कभी। कैसे करते थे मम्मी, एक बार दिखाना। ये गधा, ये हनुमान जी का गधा। हम बैठे हुए मुंह पे छूट के गिर गए। फिर वो बताएगा आपको। दो दो, एक चक्री जैसे घूमता है, देखो देखो। दोस्तों आप लोग ऐसे ट्राई ना करें, ट्राई करें देखिए कोई बगल में हो ना। खास कर मम्मी, हमारे इधर तो मम्मी ट्राई कर रही है। अब ये जाएगा आग में, इसको हम लोग इस तरीके से पकाते रहेंगे। कोई मम्मी लकड़ी लगा लो ना दूसरे वाले में, अच्छा लगेगा पकाने में। खींच में रिफोटो, तो खींच में रिफोटो फोटो। दिखाओ इसमें भी लकड़ी लगा दो। ये लो बड़ा साइज फोटो खिंचवाओ सा। फोटो खिंचवा से कि पका से? फोटो खिंचवाओ सा। खींच में रिफोटो, खींच में रिफोटो। सच में लेना रहा, थंबनेल में लगेगा। फोटो ही चल रही है। तो दोस्तों देखिए, ऐसे ऐसे हम लोग पका लेते हैं इसको, ऐसे ले जाएंगे आग में ही हम लहसुन को पकाएंगे, लेकिन आग जब कम हो जाएगा तब। तो मम्मी सिर्फ इसमें प्याज काट के डालेंगे? हाँ, एक ठो प्याज काटो, धनिया, ज्यादा प्याज नहीं, एक ठो प्याज। एक प्याज में हो जाएगा? अरे हाँ,
देसी चोखा बनाएंगे आज हम, फिर देखना कैसा होता है। तो यहीं पर हम अपने बारीक बारीक प्याज काट लेंगे। बारीक बारीक प्याज आराम से मुंह में आएंगे, आराम से पता नहीं चलेगा कि कहाँ प्याज है, और क्रंचीनेस जो आती है ओए होए होए मज़ा आ जाएगा भाई। तो यहीं पर हमने आटा ले रखा है, ये हमारा चक्की का आटा है। रोटी भी आज पता है तवे पर नहीं बनाएंगे, फिर तवे पर हल्का सेक के आग में सारा पकाएंगे। अच्छा, उससे और बढ़िया मजा आएगा, आग रहेगा तो सेक देंगे। आग जब हो जाएगा ना आटा गूंद देते हैं। बैगन के चोखा के साथ ना जो मोटी वाली रोटी नहीं होता है वो खाने में मजा आता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, उसी को सेका जाएगा ना। एक मोटी रोटी बनाएंगे और पतली रोटी बनाएंगे, इसमें हरी मिर्च भी डालेंगे ना, इसमें हरी मिर्च रहेगी अंदर से। तो दोस्तों गर्मी काफी है पर मजा बड़ा आ रहा है, इसीलिए सोचे कि ऑयल फ्री खाते हैं यार। ऑयल फ्री खाए और खिलाए और बनाए। अंजलि भाई गर्मी का क्या हाल है? बहुत तगड़े है ना। कौन बोल रहा है गर्मी है, ये देखो हम चूल्हा जलाए हैं। भाई मम्मी के, भाई मम्मी को तो यार गर्मी लगती नहीं यार। बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती मम्मी को। अभी चूल्हा के पास नहीं जा रही थी, बड़ा जबरदस्ती से गई है। झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तू देखते रही हो, चूल्हा जलाते रही हो। अभी लॉकडाउन हो रखा है, फिर मायके चले जाइयो, धमकी कभी और दी हो। मायके जाना है तो मायके जा भाई, धोस का सच्ची बोल रहे हैं। लकी आधा किलो दही लाइए मीठा वाला। कहाँ से? वही दुकान से, क्योंकि स्कूटी से जाऊँ। स्कूटी से जा। हाँ तो चले दोस्तों अपना घोड़ा निकालते हैं, जगवार निकालो। हाँ जगवार लेके चलते हैं दोस्तों। यार करियो यारी चलवाए। आई बाबा इसमें ना आग ज्यादा लगता है इस बैगन में। कौन है तेरे पास? तो बैगन देखिए हमारा पक गया है, तो इसे हम निकाल लेते हैं एक थाली में। सारा का सारा हम बैगन पका लिए हैं, देखिए टमाटर भी देखिए कितना अच्छा पक गया है, इसे भी निकाल लेते हैं आग से बाहर। अज्जा रे बउआ, अब हम फिर से दोबारा चूल्हा जलाते हैं रोटी बनाने के लिए। गर्मी तो है ही, चूल्हे को बहुत गर्मी लग रही है। तेरी माँ को नहीं लग रही है? अभी देखो तेरी निकाबा। लो भाई आज लड़की, ये लो भाई लो। भाई लो गर्मी थोड़ी कम है, अंजलि रोटी बनाएगी और हवा कर देंगे, है ना। जब खाना बने जब लाइट ना हो ऐसी पंखा कर दिया करें आप लोग भी। खोपड़ी पे एक बार इतनी चुटकुली बजा दिया करें, एक और बार देखिए। चल कोई नहीं भाई, बुरा तो मेरा पौधा तोड़ दिया आज, मारूंगी उसको। मम्मी बैगन को छील दो ना। ये जो लहसुन है इसको हम यहीं पे रख के भून लेंगे, और साथ में हम मिर्ची भी भूनेंगे, लाल मिर्ची। लेकिन लाल मिर्च दे दे अंदर से मम्मी को दे। ये लो मम्मी भाई, मैं इसमें तो बैगन छीन के रखने को। अंजी मैं तो कह रहा था यार फ्रिज भी मंगाई लो यार। फ्रिज कहाँ रखोगे? अरे यार कहीं रखेगा, पानी सामान रखने का बहुत दिक्कत, सामान सड़ जाता है। तो क्या करोगे? इंसान के रहने के जगह नहीं है, फ्रिज रख ले भाई। इंसान रहेगा तभी तो सामान भी रहेगा। टमाटर और बैंगन को हम छील लेते हैं, आग पे पक गए थे, यहाँ पे डाल दिया हमने। गरम है अभी टमाटर, अभी तो गरम है बैंगन, तो छील जाए वही ज़्यादा है। आटा इधर देखिए सान लिए हैं हम लोग, इधर हमारा लहसुन कैसे पक रहा है दिखा देती हूँ। तवा भी गरम हो गया है, ये लहसुन भी भूजा जाएगा। यहीं पे थोड़ा सा हम लाल मिर्च भी भूजेंगे, इससे ना
चोखा सोना सोना लगता है। रोटी बनेगा, खोल नहीं दे बड़ा सा, बड़ा तो नहीं मम्मी दे, पूरा पीछे है, बहुत पतला नहीं करना ये वाली। एक डंडा मार को बैठ, ये मम्मी को दे दो, मार क्यों खाऊंगा, ये लो मम्मी रोटी बनाओ। यहीं पर हम थोड़ा सा बर्तन लगा लेंगे, देसी घी लगाएंगे। अगर दोस्तों चकोर रोटी बनवानी हो तो संपर्क करें मेरे हाथ के स्वाद चैनल पे। मम्मी मारेगी, मुंह चकोर कर देगी तेरा, गोल कर उसको। वो तो गोल तो है, ये देख ना, गोल गोल पानी, कितने गोल गोल रानी। देखो जो इस रोटी को पकाएगा ना वो पक्का ना बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा इंसान होगा। ये देखो, हॉल देखो, हॉल देखो पहले कैसे रोटी फूल रहा है, ये देखो सब कुछ देसी हो रहा है। देसी देसी ना बोला कर, रोटी है, रोटी है, दे धीरे अब क्या करूं, सेहत नहीं देख रहे हैं। एक कटोरी घी ले आओ तरन, बड़ा पत्र दूल बालो, गोल कर दे भाई, गोल कर दे। स्टैंड की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे पकड़ के ना, आग नहीं हुआ है ना, आग बुझ जा रहा है। आग मम्मी लग रही ना, अब इसके अंदर तेज कर दो, ऊपर से ही पकाना मम्मी। इसमें रखने के लिए कौन सा कपड़ा, कौन सा बैडमिंटन ले आया रोटी, ये लो मम्मी रोटी लाओ, उससे ही बढ़िया पक जाएगा यार। नहीं आग तेज कर दोगे ना तो अच्छा, मतलब आग में अच्छा लग, सुलगेगा तो अच्छा लगेगा। अंडा सिखाए बच्चा के, मत कर नहीं, कौन ले जाएगा मम्मी, चेयर वाले जाएगी ना, चिल्होर ले जाए, हटा एक जगह, ऐसी भी पक जाता है, गलत तरीके से रख दिया तो क्या हुआ। जहाँ चार यार मिल जाए, रोटी दे दे सारा, तंदूर से रोटी निकाल रही हो। इसका जो स्वाद है ना, मस्त लगेगा। मम्मी तो तंदूर से रोटी निकालने लग गई है। आ जाओ यहाँ, आओ यहाँ, ये देखिए, इसको कहते हैं आग की फूली हुई रोटी। ये देखिए तंदूर में से निकला है। तो ये देखिए दोस्तों, बस बैंगन के भरते में बनने के लिए बस कुछ ही चीज डालनी है, जैसे कि अभी डाली लाल मिर्च, ये हमारा है रोस्टेड, वो भी यहीं पर डाल देते हैं, हरी मिर्च जितनी आपको पसंद है उतनी डालें, हमें थोड़ी ज़्यादा पसंद है, खूब सारा प्याज और ये गया थोड़ा सा धनिया पत्ता, बस इसको अब हाथ से आपको ऐसे मैश करना है, बढ़िया से मसल लो। यहीं पे हमने डाल लिया है थोड़ा सा नमक, हम फुलाते हैं, और यही है हमारा सरसों का तेल, वो भी कच्ची घानी का, डाल लेंगे थोड़ा सा। पापा रोटी में घी लगाएंगे, हम बना के देके जाएंगे। चोखा भी तैयार है, रोटी भी तैयार है, बस अब खाने का इंतजार है। बसंती भी तैयार है, बसंती चूल्हा मत जलाना नहीं तो गब्बर आ जाएगा रोटी में घी लगाने के लिए। चिड़ी पका दी तरह के, वो चिड़ी पकाती हूँ मैं, और दिखाती हूँ दोस्तों बिहार का फेमस बच्चों को मनाने वाला डिश। जब मम्मी रोटी बनाती थी ना, बच्चे जब रोने लगते हैं
तो मम्मियाँ क्या करती हैं? तो मम्मी छोटा सा एक आटा लेंगी और उसको कुछ डिजाइन में बोलेंगी, देखिए चिरई है ठीक है, और उसको तवे पे रख देंगी और पकनी देंगी। और हम लास्ट वाले ना आटे तक रुके रहते थे कि हाँ कि मम्मी लास्ट में चिरई बनाती थी और लास्ट में थोड़ा सा आटा बचा ही लेंगी, बोलेंगी कि लास्ट में चिरई बनती है। और हम मम्मी को परेशान नहीं करेंगे, जब मम्मी रोटी बना लेंगी सारी, थोड़ा सा आटा रहेगा तो फिर बोलेंगे अब चिरई बनाओ हमारी। देखिए चिरई कैसे बनता है मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसे हम लोग चिरई बनाते हैं, कैसे खाने के लिए देते हैं बच्चों को वो भी बताऊंगी। अब चिरई बन रहा है दोस्तों, अब होगा जादू, जादू कटपटरा, जादू 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 वाले जादू, अब जादू। अब ये बन रहा है बच्चों का स्पेशल चिड़िया। ये कैसे चिड़िया भाई? देखना इसका, ये हो गई चिड़िया की चोंच और ये हो गया उसका पंख। अब ये तैयार है पकने के लिए। अब इधर साइड में पकता रहेगा तब तक मम्मी सारा रोटी बना लेगी। ये देखिए दोस्तों, तीन खीरे लाया हूँ, बस सलाद में खाएंगे, एकदम फ्रेश खीरे हैं। कौन सा छोटा, सबसे छोटा है? ला रहे हैं। चिड़िया पक गई है, कौन खाएगा? मैं। बोल मम्मी मैं, मम्मी मैं। तो दोस्तों गांव में क्या होता है कि एक एक दो दो किलो बड़ा परिवार होता है, तो दो दो किलो का तीन तीन किलो का रोटी बनाना होता है, तो बच्चे करते हैं परेशान। तो मम्मी क्या करती है कि बोलती है कि बैठ बेटा पास में, चिड़िया बना लेती है एक ठो और तवा पर रख देती है, और धीरे धीरे सीखता रहता है बच्चा भी, माँ के पास बैठा रहता है और चिड़िया को देखता रहता है, माँ को परेशान नहीं करता। फिर वो लास्ट में जब रोटी उसकी मम्मी बना लेती है तो फिर आग में पका के ऐसी वाली चिड़िया अपने बच्चों को दे देती है हाथ में, और बच्चा बड़ा खुश होकर खाते रहता है। तो पहले के बच्चे थोड़ा बकलोल हुआ करते थे। सही कहती हूँ, बच्चे बकलोल थे ही, दे दे बड़ा ही दे दे यार। आजकल के बच्चे रोटी ही नहीं बनाने देंगे आपका, करेंगे क्या क्या क्या, छोटा बच्चा अब बड़ा वाला रोएगा, अरे मम्मी रे अरे मम्मी। आइए देखिए हमारे गांव में तो कैसे रोते हैं, माई हो माई कहाँ गई लू, चिराई बना के ना खिलाई बू मम्मी थकी थी, चीनी मिला दिया करती थी, नमक भी डाल दिया करती थी, ठीक है दो ना रोटी, तो रोटी खा के देख बहुत स्वाद लगेगा वो। अच्छा? सुना जाता है ना। हाँ, सुना जाता है। खा ली। हाँ। ये गया हमारा बैगन का चोखा, भरता, भरता बोल लो, चोखा बोल लो। साथ में हम डाल रहे सलाद खूब सारा और हमारी देसी रोटी, तो जितना खाएगा उस हिसाब से। पापा और हम चिरई खा लेते हैं थोड़ी सी, खा के देखो तो मुंडिया पहले खा लिया है। कैसा लग रहा है? ये बच्चा बड़ा हो गया, इसको स्वाद का अधिक पता हो गया। क्या खिलाती हो? क्या खिलाती थी तभी तो बोल रही हूँ। खा लिया था मैं। खुद पे अफसोस हो रहा है। पागल बना देते मम्मी। खुद पे अफसोस हो रहा है कि खा कैसे लेता था मैं। खूब खाता था दिन भर, जैसे मतलब दो तीन पका दूंगी, जब बोलेगा तो इसको लकड़ी में लगा के दे दूंगी लॉलीपॉप जैसे। ये अंजलि भी ज्यादा खाई है गांव में ठीक है। और ये देखिए दोस्तों, ये आ गई हमारी दही। दही हम सब जगह डाल लेते हैं।
चलो भाई लोग। ये देखिए दोस्तों, हमारी पूरी थाली तैयार हो गई है। बैंगन का भरता आ गया प्लेट में। रुका नहीं जा रहा है, बहुत देर से बना रहे थे। अब आप लोगों को हम दिखा देते हैं कि बैंगन का भरता जो देसी रोटी है वो कैसा देखने में लग रहा है। तो दोस्तों ये देखिए, ये रोटी तोड़े हम और ये बैंगन का भरता, ये देखिए देसी बैंगन है। आप लोग टेस्ट करके बताइए कैसा लग रहा है। ये लीजिए, घी तो पूरी रोटी के अंदर भाई जा चुकी है। रोटी हो रही है ठंडी। तो ये जो रोटी होता है ना, ऐसे करो और ऐसे उठाओ। ऐसे लिया हमने अपनी देसी रोटी और देसी चोखा और भाई डाल लिया और नहीं हुआ कोई धोखा। हम भाई बिहारी बोका और आप लोग को हम खिलाएंगे बैगन का भरता रोटी चोखा, चोखा भी बोल सकते हैं इसको। फ्राई करके बनाते हैं तो भरता बन जाता है और ऐसे बनाते हैं तो चोखा बन जाता है। आप भरता भी बोल सकते हैं इसको। तो टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना है। सुपर, बहुत बढ़िया। चूल्हे का जो रोटी होता है ना थोड़ा मोटी मोटी, उसमें घी चुकोड़ दीजिए, फिर देखिए मजा। बहुत खाते हो, मतलब तुम रोज खा सकते हो इस चीज को। तुम्हारा जी नहीं भरेगा और बनाने में समय भी नहीं लगेगा। देखो वो सब घर का सामान होता है, दही घर का हो गया, घी घर का हो गया, हरियाणा में ज्यादा और कुछ हिस्सा पंजाब में ऐसी बनाया जाता है। और मोटी मोटी रोटियां भी हम लोग अपना बिहार में ही बनाते हैं। मोटी रोटी दादा को भी बहुत पसंद है। तो दोस्तों आप लोगों को अगर हमारा बैगन का भरता पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने घर में जरूर मिल के बनाइएगा। हाँ, पूरे फैमिली के साथ खाइएगा। और ऐसे ही हमारे परिवार से मिलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो जो हम डालेंगे वो आपको मिलेगा, तभी तो आप घर में बनाएंगे। तो हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों। खाओ पियो मस्त रहो। मखना है, मखना ये भी अच्छा है। का भरता है चकना, चकना नहीं जरूर जरूर चकना। आ जाओ कैमरा मैन, आ जाओ भाई अभी खाओ ना, तो रख ले मजा किरकिरा होई।